अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राना शेफ इंटरनेशनल। कैसे हैं आप सब? और आज मैं बनाता हूँ चिकन फ्राइड राइस रेस्टोरेंट स्टाइल, के रेस्टोरेंट में कैसे चिकन फ्राइड राइस बनाते हैं। चाइनीज़ राइस इनका नाम है, चाइनीज़ पाकिस्तान इंडिया में, चाइना में और बहुत जगहों पर ये राइस शौक से खाए जाते हैं। तो ये मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये राइस जो मैंने ये बॉयल करके रखी है, इनको आपने कम से कम जो है ना एक घंटा पहले आपने ऐसे रख लेना है, जिससे आपके राइस जुड़ेंगे भी और सही बनेंगे, क्योंकि इनको फ्राइड करना है और आपने इनको हाफ बॉयल करना है, फुल बॉयल नहीं करना आपने। ठीक हो गया, 5 से 7 मिनट आपने इनको बॉयल करना है। तो ये फिर मैंने साथ इसके ये देखे मैंने रखा हुआ कच्चा प्याज, कच्चा प्याज जो है इससे बहुत मज़े का राइस बनते हैं, ये हर मौसम में तो मिलता नहीं है, आजकल सर्दियों में ये होता है। और उसके बाद ये मैंने रखा हुआ है कैप्सिकम, शिमला मिर्च और साथ मैंने ये कैरेट रखी है। कैरेट के साथ ये मेरे पास बॉयल्ड चिकन जो है उसको मैंने स्मैश किया हुआ है सेपरेट, और ये मेरे पास आयल पड़ा है। अब इसमें हमने डालना क्या है, ये हमारे पास पड़े वाइट पेपर और साल्ट। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकती है, लेकिन मैं आज इसमें वाइट पेपर डालूंगा। और इसमें हम क्या डालेंगे, सोया सॉस, ये मेरे पास सोया सॉस है, ये हमारे पास है विनेगर, और हमने एक इसमें डालना होगा अंडा। इस इंग्रेडिएंट्स में हमने ये चीज़ें तैयार करनी है। तो उससे सबसे पहले हमने आप क्या करना है, ये चीज़ें तो हमारे पास पड़ी हैं, आप लोग इसी रेसिपी को इसी तरीके से बनाना है तो ये बहुत मज़े के और रेस्टोरेंट स्टाइल के बनेंगे। तो आपने मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपने कितने टाइम में बनाए हैं और किस तरह के बने हैं, क्या आपने ये रेसिपी को इसी तरीके से किया कि आपने राइस को बॉयल करके पहले आपने बाहर निकाल लिया, तो ये राइस आपके बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं, सेपरेट होंगे। और जिस तरीके से ये मैंने चीज़ें ला रहा हूँ आपने इसी तरीके को आपने फॉलो करना और राइस जल्दी भी बनेंगे। अब मैंने ये कढ़ाई जो है आपने ये कढ़ाई ले ली है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करते हैं और हमारी फ्लेम ज़रा हाई है, हमने फ्लेम इसको नॉर्मल पे करना है। अब हम इसमें ये जो हमारे पास क्रश चिकन पड़ा है ये बॉयल वाला जो है सेपरेट, हम इसमें ये डाल देंगे। ठीक है, ये हमने चिकन डाल दिए इसमें, के साथ हमने तो आपने हल्का हल्का हला लेना है, अब आपने ये जो कैप्सिकम है ये डाल दी इसमें, ये मैंने डाल दिए कैप्सिकम। अब मैंने कच्चा प्याज जो हमने हमने इसमें यह डालना है, कच्चा प्याज आ गया प्याज, हमारे पास अंडा पड़ा है, अंडा इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, अंडे को डाल के हमने इसी के अंदर हमने इसके ऐसे ऐड देना इस तरीके से, ये आपके इसमें भी बॉयल बन जाएगा, ये हमारा अंडा जो है ये इसके अंदर हम ऐड किया, ये देखिए हमारा अंडा तैयार हो गया, ये देखिए इनकी शक्ल कितनी खूबसूरत बन गई है, कबक प्याज का इस्तेमाल है जो हमने साथ में वो चीज डाली है। और जो है इसके साथ ही हमने कैरेट डाल देनी है, कैरेट डालने के साथ हमने इसमें जो है हमारा
नमक और ये वाइट पेपर ये डाल दिया हमने। अब ये हमने जो थोड़ा सा ऑयल बचाया था वो डालेंगे इस पे। हो गया, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया तो इसकी खुशबू माशाल्लाह भी बहुत प्यारी आने लग गई है। और हम इसे मनाते रहेंगे। ये देखें, अब ये इनके हमने हल्की सी फ्राई करनी है क्योंकि ये राइस थोड़े चबा के खाने पड़ते हैं, बिल्कुल भी हमने ज़्यादा नहीं पका लेने। इसकी शक्ल भी बन गई है तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की रेसिपी है, रेस्टोरेंट में इसी तरीके से बनाते हैं। तो आप जब घर में बनाएंगे तो आपने मुझे बना कर भी बॉक्स में बताना है कि जो आप लोगों ने इस रेसिपी को फॉलो किया था तो आपसे फिर किस तरह के राइस बने हैं, क्या सेम ऐसे ही बनी है जैसे मैंने बनाई है। तो ये बहुत मज़े के और डिलीशियस होंगे, देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। और इसको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ें तो हमारी हाफ डन ये हो गई है, ये गाजर भी और ये भी अब हम इसको थोड़ी फ्लेम हाई कर देते हैं। दो मिनट ऐसे फ्राई करेंगे, दो मिनट बाद फिर हम इसमें राइस डालेंगे। तो राइस हमारे हाफ डन तो आ रेडी है, हमने इसमें हल्का सा उनको करना है। ये देखें, अब ये बिल्कुल इसकी शक्ल पर और खुशबू देखे माशाल्लाह कितनी आ रही है। अब हमने इनको बिल्कुल भी पकाना, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये राइस पड़े हैं, हमने इसके अंदर ये राइस डाल देने हैं। ऐसे राइस डालने के बाद ये डाल देंगे। अब इसकी हमने आग फ्लेम स्लो कर देनी है और इसके ऊपर हमने ये जो सिरका है, सिरका थोड़ा थोड़ा इसमें डलेगा। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। ये देखें किस तरीके से सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस डाल दिया और इसको हमने ये लगा दिया, अगर इसमें वो तो थोड़े सख्त होते, इसको थोड़ा सा पानी का टच भी लगाया जाता है। अब इसको हमने इस तरीके से इसको हमने हिलाना है, ऐसे ऐसे, इसमें चम्मच नहीं लगाना। चम्मच लगाएंगे तो ये चावल आपके ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसको हमने ऐसे हिलाना है, इसको हमने कढ़ाई को इस तरीके से कपड़े से पकड़ लेना और हमने कढ़ाई से अपने इसको हिलाना है ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके हल्का हल्का हिलाएंगे तो आपके चावल नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे ऐसे। इसी रेसिपी से आप बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने हल्का सा जो है ना टच वो पानी का देना है इस तरीके से। ये देखें मैंने ये हल्का हल्का मैं पानी का टच ले रहा हूँ। ये इसे ये होता है कि साथ इससे हम चावल नरम होने शुरू हो गए, ठीक हो गया। अब हम इसको असल में तो होने को चाहिए चाइनीज़ कढ़ाई। ये देखें अब हम इसको ये हम मेरे राइस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह खुशबू भी कितनी प्यारी आ रही है इसकी और देखे शक्ल कितनी प्यारी बन रही है, इसकी आप लोगों ने यही रेसिपी अपनानी है तो डेफिनेटली वैसे ही चावल बनेंगे आपके जिस तरह के हमने ये बनाए हैं। तो अब ये हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपको ये रेसिपी यकीनन पसंद आएगी तो इसका भी इतनी ज़्यादा मेहनत आसानी से आप घरों में बना सकते हैं। चाहो तो लोग आम घरों में शौक से खाते हैं। तो आप लोग इसी रेसिपी को ट्राई करें, फिर मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं कि जैसे मैंने बनाया है तो आप लोगों से वैसे बनी है क्या। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, इस तरह हमें इसको खिलाते रहना है।
खुशबू भी देखें माशाल्लाह की कितनी प्यार लगी है। ये देखें अब इसकी लुक भी प्यारी, शक्ल भी प्यारी। अब हमने इनको क्या करना है, हमने इसको डाल लेना है रात के अंदर ऐसे। हमने यहाँ पर हमने ये रात इसकी हम इस रात के अंदर इसको डाल दी है ऐसे। ये रेसिपी यकीनन आप लोग पसंद आएगी। अब ये देखें हमने राइस को इस कढ़ाई के अंदर हमने ऐसे डाल देना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितने प्यारे खूबसूरत बन गए हैं। तो शक्ल भी प्यारी है, खूबसूरत बन गई है। देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है चावलों की, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप इसी तरीके से इसको आप ट्राई करें तो ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने क्या इसमें बरकत डाली है, हर चीज़ हमारी नज़र आ रही है क्लियरली। ये देखें जो हमने शिमला मिर्च डाली थी वो, और जो कच्चा प्याज होता है ये इसको खूबसूरत बनाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, आगे शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।